हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट वंडरिंग कपल। और आज हम है अभी श्रीनगर की जर्नी के लिए, हम लोग जा रहे हैं मुंबई से श्रीनगर वेकेशन के लिए। और ये ट्रिप बहुत ही अच्छा होने वाला है ऐसे मुझे लगता है। आपने देखा ही होगा कि हम लोग कैसे यहाँ पे पहुँचे हैं। बोर्डिंग वगैरह काफ़ी स्मूथ था, चेकिंग। हम लोग ले रहे स्पाइस जेट की फ़्लाइट डायरेक्टली श्रीनगर के लिए। 3 घंटे की फ़्लाइट है, तो हमारी बेबी तो सो चुकी है और हम लोग हैं सुपर एक्साइटेड श्रीनगर जाने के लिए। तो आपको हम लोग अपडेट्स देते रहेंगे कि कैसी रहती है हमारी ये ट्रिप और ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा। एंड आप देखते रहिए हमारी ये जर्नी। हमारी फ्लाइट थी 12 बजे, सो हम निकले थे 9 बजे की करीब, सो दैट हम टाइम पे पहुंच जाए। एंड ऑल ऑफ अस वर सुपर एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। आज है सैटरडे मॉर्निंग, सो ट्रैफिक काफ़ी मॉडरेट है मुंबई में और होपफुली हम टाइम पे पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। फाइनली हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के पास और यहाँ पे भी ट्रैफिक मॉडरेट दिख रहा है, बट होपफुली हम टाइम पे ही पहुँच जाएंगे। हमारा फ्लाइट है टर्मिनल 1 से, सो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं टर्मिनल 1 की तरफ। फाइनली हम आ चुके हैं एयरपोर्ट और अभी हम जा रहे हैं लगेज ड्रॉप करने। वेब चेकिंग तो पहले से ही हो गया है, लगेज ड्रॉप करेंगे, बोर्डिंग पास लेंगे और फिर हम वेट करेंगे सिक्योरिटी करके, फिर बोर्डिंग की वेट करेंगे। काफ़ी टाइम है आपके पास, सो स्मूथ ही जाना चाहिए। सो ये है हमारा सामान, 4 बैग है बड़े बड़े, 2 चेकिंग बैगेज है और 2 लगेज पे जाएगा। और हम जा रहे हैं मुंबई से श्रीनगर, तो एकदम गर्मी से ठंडी में, तो विंटर क्लोथ्स काफ़ी लिया है क्योंकि सुना है इस टाइम पे सोनमार्ग में स्नोफॉल का भी प्रेडिक्शन है, सो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके जा रहे हैं। सो देखते हैं ट्रिप कैसा जाता है। This trip will be a bit different because this is not a road trip, but anyways we will enjoy this trip as well. कैसा लग रहा है? अरे बहुत मजा आ रहा है, अभी पता चलेगा ना मजा फ्लाइट में बैठने के बाद में। सो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड है ट्रिप के लिए। अभी तो आइडियली उसके सोने का टाइम है पर वो सो नहीं रही है, शी इज वाइड अवेक। जब तक ये ब्रेकफास्ट नहीं करेगी तब तक सोएगी नहीं। सो इसको इससे थोड़ा सा तो नाइट स्नैक्स खा के आई है बट सो नहीं रही है, देखते कब सोती है, सोती भी है कि नहीं, बिकॉज शी इज ऑल्सो एक्साइटेड। नए जगह पे आई है, इधर उधर देख रही है। सो अभी बच्ची इस पे बैठ के जा रही है एंड सीम्स लाइक शी इज एंजॉयिंग इट। सिक्योरिटी होने के बाद में ये है यहाँ का वेटिंग एरिया, ये काफ़ी बड़ा है। हालांकि बड़ा होने के बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, मेनली बिकॉज समर वेकेशन है और बहुत सारी फ्लाइट शेड्यूल थी। हम लोग यहाँ पे ही काफ़ी टाइम तक वेट किए बोर्डिंग होने तक। बोर्डिंग हो चुकी है और आप देख ही सकते हो फ्लाइट है फुल, तो बहुत जनता जा रही है श्रीनगर हमारे साथ में। काफ़ी सारे टूरिस्ट होंगे, काफ़ी सारे लोकल्स होंगे, तो देखते हैं ये जर्नी कैसे रहती है। दिस इज एंड दिस इज अ बोइंग 737 मैक्स, तो विल शेयर द एक्सपीरियंस विद यू। आज का वेदर काफ़ी अच्छा था, है ना? और हम जब यहाँ पे आए तो थोड़ा थोड़ा सुबह क्लाउडी था, बट अभी तो काफ़ी धूप है और ये बोर्डिंग करने के लिए भी हमें बस से यहाँ पे आना पड़ा है एयरक्राफ्ट तक के। तो आपने आपके लिए वीडियो तो नहीं है मेरे पास, बट बहुत धूप है आज, काफ़ी कड़ी धूप दिख रही थी। एंड
एंड बोर्डिंग एक्सपीरियंस में वही भीड़ भड़ाका और ढेर सारा जनता, और बोर्डिंग अभी भी चली रही है, देखिए पीछे जा रहे हैं। हम ज़्यादातर इंडिगो से ट्रैवल करते हैं और इंडिगो का बोर्डिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर है, मतलब जैसे एक्सपीरियंस रहता है सो उस हिसाब से इंडिगो काफ़ी बेटर रहता है कम्पेयर टू स्पाइस जेट का जो हमने देखा। बट ओवरऑल देखते हैं जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड एंड वी आर लीविंग द हसल बसल ऑफ मुंबई, द वेरी वेरी फास्ट लाइफ ऑफ मुंबई, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू विजिट द ट्रैवलिंग ब्यूटी ऑफ श्रीनगर। सो देखते हैं ये पूरा ट्रिप का एक्सपीरियंस कैसा रहता है और हम आपसे शेयर करते ही रहेंगे, एंड इट विल बी अ ट्रिप मेमोरी फॉर अस एज वेल विद आवर बेबी। सो दिस इज द फर्स्ट आई थिंक कैसे हम कुछ विंटर लोकेशन में जा रहे हैं, और हमने देखा है कि सोनमार्ग में प्रेडिक्शन है स्नोफॉल का, सो हमें ये भी देखना है कि बेबी कितना एंजॉय करती है। हम तो एंजॉय करेंगे, तो हमें ये भी देखना है बेबी कितना एंजॉय करते हैं हमारे साथ। सो लेट्स सी हाउ द ट्रिप गोस। काफ़ी टाइम हो गया है और फ्लाइट जा नहीं रही है, पता नहीं क्यों, मतलब बोर्डिंग भी ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड है क्योंकि फ्लाइट नहीं दिख रहा है, बट पता नहीं। सो हम ऐसे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, सो टाइम पास करने की ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं है, सो हम मेनू कार्ड देख रहे थे, सो आपको भी दिखा देते हैं। मेनू अच्छा दिख रहा है वैसे, और तो हमने हमारा लंच ऑलरेडी लाइक हमारा मील ऑलरेडी हम बुक करके रखे हैं, सो जब हम टेस्ट करेंगे तब हमको बताएंगे टेस्ट में कैसा है, वेदर इट्स एज पर एक्सपेक्टेशन। हमें तो बहुत लाइक आइटम तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट टेस्ट वाइज भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका मेनू कैसा रहता है। तुम हवाई जहाज में क्यों खाओगे? अरे पूरी भाजी, लंच एंड डिनर, चीज का सालन, चिकन टिक्का, मैंने ये मंगाया। मैंने क्या लिया तुम्हारा? ये मैं बता दूँ, तुम्हारा है मार्बल ब्रेड। और 2000 बोर्डिंग कंप्लीट, आपकी सुरक्षा के लिए सरकारी नियम के अनुसार हैंड बैगेज में चेक इन फ्लाइट्स पर और डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर मदिरा पीना वर्जित है, धन्यवाद। In preparation for departure, please fasten your seatbelt, close your tray table, keep your seat and other electronic devices must be switched off. Please place your hand luggage in the overhead bin located right above your seat or under the seat. Almost 1 hour ki kareeb late hai kyunki टेक ऑफ का परमिशन नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ सर्टन ऑपरेशनल रीजंस। सो अभी फाइनली टेक ऑफ होने जा रहा है, एंड हमारे 12:50 लेट हो गया, अभी बहुत लेट हो गया, पहुँचेंगे भी लेट है। हाँ, और हमारा बेबी भी अभी सो चुकी है, एंड देखते हैं। हम तो बहुत सुबह के निकले हुए हैं बिकॉज टाइम काफ़ी पहले थी और अभी बहुत भूख भी लग गई है, सो देखते हैं खाना कब मिलता है, तब हम खाना खा के आपको हमारा रिव्यू देंगे। और अभी एंजॉय करते हैं टेक ऑफ और मुंबई का एरियल व्यू। हमने ऑर्डर किया था चिकन शेजवान और फ्राइड राइस एंड चिकन लबाबदार विथ राइस एंड दाल। इसके अलावा हमें स्वीट डिश में रसगुल्ला मिला था एंड एक बेवरेज भी कॉम्प्लीमेंट्री था। चिकन शेजवान वॉज टेस्टी, हाउएवर द अदर आइटम वाजंट दैट गुड। हमारा लंच करके अब हो चुका है और अब हम इंजॉय करते हैं कुछ ब्रेथ टेकिंग व्यूज़। ये एरियल व्यूज़ सच में बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं लैंडस्केप काफ़ी चेंज हो जाता है। जब हम मुंबई से उड़े थे तो हमने देखा था कैसे समंदर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आता है अलॉन्ग विथ मुंबई सिटी।
एंड अभी हम जो देख पा रहे हैं वो है स्नो कैप माउंटेन्स ऑफ द कश्मीर वैली। एंड जैसे जैसे हम श्रीनगर के पास पहुंच रहे हैं वैसे जो व्यूज़ है वो और भी ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं। सो ये है आपके लिए कुछ एरियल व्यूज़, आप इन्हें इंजॉय करिए हमारे साथ में। टाइम है 4:30 और फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर। बैगेज हमें काफ़ी जल्दी मिल गया। सो हमने इधर कैब पहले से ही प्री बुक करके रखा था। सो ड्राइवर भैया वाज वेटिंग फॉर अस एट द एयरपोर्ट। सो हमें कैब मिली, हम कैब में बैठ के अभी हम पहुंच जा रहे हैं हमारे होटल के तरफ जो डालगेट के पास है। हमारा आज का प्लान था कि आज हम पहुंच के होटल में सामान रख के डल लेक में शिकारा राइड कर लेंगे, बट लुकिंग एट द वेदर इट लुक्स लाइक इट्स अ बिट क्लाउडी एंड बारिश की भी प्रेडिक्शन है एंड कई जगह पे हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट भी हो चुकी है। सो देखते हैं, लेट्स गो टू द होटल एंड देन वी विल डिसाइड डिपेंडिंग ऑन वेदर कि क्या करना है। हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं झेलम रिवर को। इस ब्रिज का नाम है अब्दुल्ला ब्रिज एंड यहीं से दिखता है ज़ीरो ब्रिज जो कि एक लकड़ी का बना हुआ ब्रिज है। काफ़ी हसल बसल रहती है वहाँ पे शाम के टाइम पे, काफ़ी लोकल लोग के बीच में पॉपुलर है। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने होटल मीर जो कि है डल गेट के पास में। ये डल लेक के पास में भी है, यहाँ से वॉकिंग डल लेक जाया जा सकता है। ऑलमोस्ट 600 मीटर्स या 700 मीटर्स ही है डल लेक वाला एरिया। तो ये होटल ऑलमोस्ट 3 या 4 स्टार कैटेगरी का होटल है और हमने ऑनलाइन बुक किया था। सो गाइज, आपने देखा हम लोग श्रीनगर पहुंच गए, अभी हम लोग अपने होटल में पहुंच चुके हैं और ये है होटल मीर्स जो कि है डल गेट के पास में और काफी अच्छा होटल है, बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी है। आपको एक रूम टूर भी देंगे और होटल के रिव्यू भी आपको बताएंगे, एक अलग से एक ब्लॉग में बताएंगे। अभी के लिए तो हम लोग पहुंच चुके हैं, 5 बज चुके हैं शाम के और काफी अच्छा सफर रहा हमारा। ओवरऑल बहुत इंजॉय किया हमने, फ्लाइट में बहुत मजा आया। थोड़ा फ्लाइट लेट थी हमारी कुछ आधे घंटे से और श्रीनगर में उतरते उतरते हमें कुछ श्रीनगर 3:30-4 बज गए थे। फिर लगेज कलेक्ट करके हम लोग अपने कैब में बैठे और सीधे आ गए हैं अपने होटल। आज का प्लान है कि होटल में रेस्ट करेंगे बिकॉज हमारा बेबी अभी सो चुकी है, वो पूरे फ्लाइट में नहीं सोई, इतनी एक्साइटेड थी वो कि उसने बिल्कुल भी नींद नहीं मारी और बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया उसने, बहुत मस्ती की है पूरे फ्लाइट में। एंड अभी हम लोग भी काफी एग्जॉस्ट हो चुके हैं उसको संभाल के, तो थोड़ा रेस्ट लेंगे फिर देखते हैं, अगर शाम को कुछ प्लान बनता है तो जाएंगे, अदरवाइज फिर यहाँ पे डिनर करेंगे और फिर कल की प्लानिंग। सो कल हमारा प्लान है यहाँ से सोनमर्ग जाने का। तो सोनमर्ग का जो जर्नी है श्रीनगर से वो हम एक सेपरेट व्लॉग में कवर करेंगे। होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, हमारी जर्नी मुंबई से श्रीनगर तक की। अगर अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन, अगर चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट वंडरिंग कपल। नेक्स्ट व्लॉग के लिए जरूर देखिए हमारा ये श्रीनगर और कश्मीर का ट्रिप। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय।